मेरा एक बॉयफ्रेंड था, करते रहो बात। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ महजबीन और आज मैं प्रैंक करने वाली हूँ अपनी फ्रेंड पे। ये भगवान क्या जुलुम है, क्योंकि मेरे पास इकलौता ही फ्रेंड है और आज मैं उसकी दोस्ती को टेस्ट करने वाली हूँ कि उसकी दोस्ती कैसी है मेरे लिए, मतलब वो मेरे लिए केयर करता है या नहीं, या फिर मुझे ऐसे छोड़ देगा कि हट भाई हट, मुझे नहीं फर्क पड़ता ऐसा वाला। तो मैं ये प्रैंक करूंगी कि मैं उसको ना नीचे कॉल वॉल करके बुलाऊंगी और फिर मैं उसको ऐसा दिखाऊंगी मेरे पास कॉल वॉल आई है, कोई मुझे धमका रहा है या फिर कुछ ऐसी डरावनी कॉल, या फिर मेरे साथ कुछ हो गया है, कुछ भी ऐसा जिससे मैं बहुत ज्यादा हर्ट हो गई हूँ और मैं बहुत ज्यादा रो रही हूँ और बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई हूँ मैं इस चीज को लेकर। तो मैं ना उससे बात बात करती रहूंगी और इसी बीच में मैं बाथरूम में लॉक कर लूंगी अपने आप को। प्रैंक में देख लेना अभी आप, उस टाइम पे मेरी ओवर एक्टिंग, वीडियो पॉज करके फौरन 50 रुपए की ओवर एक्टिंग काट लेना मेरी, ठीक है? तो चलो जल्दी से प्रैंक स्टार्ट करते हैं अपना। यार मैं अब जा रही हूँ उसको कॉल करने और देखते, पता नहीं वो सो गया है या जगा हुआ है, अभी देखती हूँ मैं चेक करके, पहले इसको कॉल कर लूँ। 2 बजने वाले रात के 2 बजे प्रैंक कर रही हूँ मैं उसके ऊपर, बताओ जरा। तो मुझे हंसी आई यार, उठा नहीं रहा यार फोन, बस सो गया। एक बार और कॉल करती हूँ। हेलो, हाँ नीचे आ जाओ। कौन है नीचे? मेरे वाले रूम में। कौन बोल रहा है? महजबीन। अच्छा, कौन बोल रहा है यार, क्या हो गया? कुछ नहीं यार, आप एक मिनट। नींद आ रही यार, फोन जल्दी जाओ, काम बोलना। एक मिनट के लिए नीचे आ जाओ। यार क्या है, आ रहा हूँ। यार कैसा है यार, ये नीचे बुला रही थी, नींद खराब कर दी। वैसे सही बात है यार, 2 बजे रात को मैं इसको बुला रही हूँ। गाइस अभी तक आया नहीं है ये, 5-6 मिनट हो गए हैं और अभी तक नहीं आया ये, तो फिर से दोबारा कॉल करने जा रही हूँ मैं। यार कहाँ हुआ, आ जाओ एक मिनट के लिए बस। अब यार लिफ्ट से उतर रहा हूँ, क्या हो गया? ठीक है। अब यार इतनी रोने वाली एक्टिंग कर रही है, इसको समझ में नहीं आ रहा क्या? लेकिन बहुत ही मजा आएगा यार, मैं जब बाथरूम में बंद होंगी रोंगी। डर गई। क्या हुआ, क्यों बुलाया? इतना ओवर एक्टिंग नहीं करने का यार, पड़ता है चुप रहने के लिए बुलाया गया। क्या हो गया तेरे को, इधर देखियो, क्या हुआ? क्या बोलू यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ अंदर से। परेशान क्यों? तुम्हें नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है। बोल क्या हो गया? नहीं बता सकती मैं तुम्हें। बताओ क्या हो गया। मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैं ऐसी मैं कैसे बताऊँ यार, मैं बहुत ज्यादा परेशान। ऐसे बात करना बंद कर, मैंने कभी ऐसे बात करते नहीं देखा तेरे को। 24 घंटे ऐसे वाली लड़की ऐसे बात करती है, फिर वो लगता है। बोल जल्दी, पता क्या? बहुत ही गलत हो रहा है मेरे साथ। क्या मैं देख, सुन मेरी बात, एक रोने से यार कुछ रोने से चीजों का हल नहीं निकलते यार। बात एटलीस्ट तो अगर शेयर भी नहीं करेगी तो मैं उस चीज का सॉल्यूशन कैसे दूंगा? तूने भी तो कुछ उम्मीद रख के बुलाया ना मेरे को कि हाँ चलिए बंदा, मैं इसको कॉल करूंगी, मेरे कुछ सॉल्यूशन देगा इन सब चीजों के। प्रॉब्लम तो शेयर कर, वैसे हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज शेयर करती है यार। मैं कैसे बताऊं यार, मैंने सबसे छुपाई ये चीज। चल छुपा ली, अभी क्या होता, अब जो नहीं बताएगी तो और उसमें फंसती चली जाएगी ना। पहले तो रोना बंद कर यार, मुझे भी परेशान कर रही है ऐसे रोके। मेरा एक बॉयफ्रेंड था। बॉयफ्रेंड था स्कूल टाइम पे, अब वो मुझे धमकी दे रहा है। किस चीज की? वो बोल रहा है कि मम्मी पापा को बता देगा सब कुछ कि हम लोग रिलेशन में थे। तो तुम पागल हो, पहली बात तो इस चीज को लेकर थे ना, पर वो उसके बदले पैसे मांग रहा है। पैसे किस बात के बनते हैं यार इन सब चीजों में? कोई फिरौती किडनैप कर रहा है कि जो पैसे मांग रहा है? मुझे एक हफ्ते से कॉल किए जा रहा है, पता नहीं मेरा नंबर कहां से मिल गया। वैसे तुम हर छोटी छोटी चीज बता रखी है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड था ये आज तक मुझे पता ही नहीं है। इधर देखो, पहले तो बाल ऊपर करो, रोना वोना बंद करो, ऐसे मत। अब क्या कह रहा है वो, कौन नाम क्या उसको? अब नाम अब तो बता दे, इतने साल छुपा लिया, कौन था? दानिश नाम है उसका। तो क्या कह रहा है फिर वो, कंक्लूजन क्या चाहता, क्या है वो फिर? वो पैसे चाहता है यार, उसको पता मैं डरती हूँ उन सब चीजों में। तुम बता दो ना मम्मी पापा को, मैं नहीं बताना यार, तुम नहीं समझते। एक बार बताइयो, अगर देखो एक चीज हमेशा समझ के माँ बाप से चीज छुपाएगी ना तो और उसमें फंसती चली जाएगी, उन्हें बता दे, खत्म कर बात। सुन मार तो नहीं देंगे ना तुम्हें, ये बता। तुम नहीं समझ रहे यार मैं क्या भाई बोल? गलती हो गई, माफ कर देंगे, कोई गुनाह थोड़ी कर दिया तूने, या उसके साथ भाग गई तू कहीं? कब से चल रहा है सब? एक हफ्ते। तो एक हफ्ते में तुम आज बता रही हो मेरे को ये सब चीजें कि तुम्हारे साथ ये सब चीज? अभी भी उसकी कॉल आई थी, उसने बोला कि कल तक नहीं पैसे देगी तो बता दूंगा। अरे बाप रे, नंबर दो उसका कॉल है, फोन दो अपना। फोन दो, कहाँ है फोन दो यार, कहाँ पर है? दे रही हो या नहीं दे रही हो? मैं अंकल आंटी से बात करूँ, आखिरी बार पूछूंगा, उसका नंबर दे रही हो? मैं अंकल आंटी से बात करूँ? मैं नहीं दे सकती यार। तुम इस चीज को क्यों नहीं समझती हो? पहली बात तो तुम एक हफ्ते में मुझे आज ये सब चीजें बता रही हो,
ऐसे दब के रह के किससे वो नहीं होता, खा तो नहीं जाएंगे ना, ना अंकल आंटी कुछ कहेंगे ना, कोई कुछ नहीं कहेगा, साफ साफ बता दो, ऐसे को तो लठोर पड़ेंगे। अबे देख सुन मेरी बात, देख सुन मेरी बात तो सुन, अब थोड़ी है कुछ ऐसा, तो वो मुझे धमकी दे रहा ना। अरे तो धमकी दे रहा तो खोखली धमकी से ऐसा क्यों डरते भाई, और तेरे मम्मी पापा को तेरा भरोसा नहीं है तो बता दे जो जो सच है, और नंबर पहले लॉक खोलो, लॉक तो खोलो, ऊपर देखो लॉक खोलो, अबे एक चीज तो करनी पड़ेगी यार, पता है घर में बताएगी तो सेफ रहेगी इन सब चीजों से। पैसे किस ब्याह पे मांग रहा है, इस ब्याह पे मांग रहा है ना कि घर वालों को बताएगा, जब घर वालों को पता चल जाएगी तो फिर किस बात के पैसे बचे, जब उसके पास ब्लैकमेल करने को मम्मी पापा को उससे ब्लैकमेल कर रहा है ना, मम्मी पापा को पता रहेगा तो किस चीज का ब्लैकमेल करेगा फिर। तुम्हारे साथ यार नहीं हो रहा तो तुम्हें नहीं समझ में आएगा, परेशान रहेगी तो मुझे भी परेशान कर रही है ना फिर ऐसे। मैं बोल देता हूँ यार, ऐसे नहीं बोल सकते यार, करते रहो बात, किसी को कुछ समझ आता है इन सब चीजों से क्या होगा, बोलो मुझे मत परेशान करो यार। तुम रो क्यों रही हो यार? अरे यार तुम्हें बिना मतलब करे जा रही हो, गेट खोलो यार, ये गेट खोलो भाई, मुझे नहीं खोलना। डस्टबिन देख, बिना मतलब ना वो मत करो, इन चीजों के कुछ फायदे नहीं होते। और पहली बात ये सेंसलेस और बेसलेस बातों पे ऐसा रोना धोना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कोई पागल बंदा अपने घर में बैठ के तो ब्लैकमेल कर रहा हो, तुम ब्लैकमेल हो रहे हो, तुम मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ पाओगे कभी भी। सोल्यूशन दे रहा हूँ ना, बीइंग एज अ बेस्ट फ्रेंड मेरा यही तो फर्ज है कि मैं तुम्हें सोल्यूशन दे सकता हूँ उस चीज का, और दे रहा हूँ भाई। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें खा नहीं जाएंगे उस चीज को लेके, तुम उनसे अगर सीधा सीधा बता दो कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे लड़का ये कर रहा है, तो उल्टा तुम्हारी ही साइड लेंगे वो लोग, ये चीज समझो। अबे यार क्यों रो रहे हो भाई, क्यों मुझे परेशान, अबे मुझे ये बुरा लगता है भाई, दोस्त है तो चलती फिरती बिकारन थोड़ी है, कि रोती रहेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें नहीं पता यार कितनी बड़ी बात है ये, गेट खोल यार, प्लीज मुझे परेशान मत करो, जाओ यहाँ से, गेट खोल दे, पहले तो ना तू पानी वानी पी, और ये सब मत, तुझे पता है रोने से दिक्कत हो जाती, फिर क्यों ऐसे कर दिया। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है यार, क्यों कर रही यार, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, वैसे इतनी मैच्योर इंसान बनती है, इतनी हर चीज में इतनी मैच्योरिटी फैसले लेती है, फिर भी ऐसे करती है। यहाँ से चले जाओ यार, मेरा सर फट रहा है, जाओ यहाँ से। स्वीट गेट खोली नहीं खोली है बता पहले। देखिए तू वैसे परेशान हो रही है, मेरे को बिल्कुल अभी पसंद नहीं आ रहा है, रद्दी भर का भी, खुद भी परेशान हो रही है, मेरे को भी कर रही है, और तेरे मम्मी पापा देख रहे होते तो वो भी परेशान हो रहे होते, पर पागल है क्या, उल्टा तेरे को अंडरस्टैंड करेंगे यार, वो गेट तोड़वाएगी भाई, खोल दे, मैं जिन परेशान तो मुझे कर रही है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तू कैसे रो रही है यार, क्यों मुझे तंग कर रहे हो यहाँ पे आके। वाह क्या सीन है, प्रैंक हो गया आपके साथ गाइस, इसके साथ प्रैंक कर दिया मैंने सक्सेसफुली, मुझे अब समझ आ चुका। अब यार ये तो गुस्सा हो गया, सॉरी यार सॉरी, पहले मैं कैमरा तो सेट कर दूँ। अरे यार, अरे रुको रुको, प्लीज प्लीज मत जाओ, एक सेकंड, मेरी शांत से बात सुन लो, मुझे पता है बहुत ही गंदा प्रैंक था, पर इधर आ जाओ, अरे एक सेकंड मेरी बात सुन लो बस। गाइस ये कुछ ज्यादा ही डिप्रेस्ड हो गया मेरी एक्टिंग से, पहले बताओ मेरी एक्टिंग कैसी लगी, ये माइक तो ले जा मेरे पास से, मेरा रोना कैसा लगा। गाइस आप लोग बताना कि आपको मेरा ये प्रैंक कैसा लगा, और ये तो मुझसे बहुत ही गंदे तरीके से गुस्सा हो चुका है, तो गाइस आप लोग मुझे जरूर बताना कि आपको ये प्रैंक कैसा लगा। बात वो नहीं होती मैं, बिल्कुल कुछ शर्म वरम है थोड़ी बहुत, नहीं यार मैंने बस तुम्हारा टेस्ट लिया कि तुम क्या रिएक्ट करते हो, यू आर वेरी गुड फ्रेंड। तो गाइस यहीं पे खत्म होता है हमारा ये प्रैंक, और आप लोग प्रैंक नॉट हमारा, आई वाज नॉट इंक्लूडेड एट ऑल, और ये मेरा अच्छा दोस्त है या नहीं, ये पास हुआ या नहीं अच्छे दोस्त में, वो कमेंट में आप जरूर बताना कि ये मेरा अच्छा दोस्त है या नहीं। गाइस यहीं पे खत्म होती है मेरी ये वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो अब मैं मिलूंगी आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।